वही जनपद अल्मोड़ा में लाइलाज बीमारी से ग्रस्त मरीजों की देखभाल के लिए अब मेडिकल कॉलेज जल्द ही सुविधा शुरू करने जा रहा है। बता दें सोमवार को एनेस्थीसियोलॉजी विभाग में विभागाध्यक्ष डॉक्टर उर्मिला की ओर से प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी गई। दरअसल प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज के एनेस्थीसिया विभाग में दर्द और उपशामक देखभाल को लेकर सुविधा शुरू की जा रही है। इसके आगे उन्होंने कहा कि लाइलाज बीमारियों से ग्रसित मरीजों को सुविधा शुरू होने से लाभ मिलेगा। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया की तरफ से और हमारे माननीय प्रिंसिपल सर के सहयोग से पैलेटिव केयर सर्विसेज शुरू करने जा रहे हैं। जो अल्मोड़ा और उसके नियर बाई के जो रहने वाले लोग हैं, जो लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त हैं, जो हल्द्वानी या नीचे की तरफ नहीं जा सकते हैं, उनको कुछ हद तक केयर देने का हम लोग का ये प्रयास रहेगा। हम लोग की ओपीडी चल रही है और हम लोग को ओपीएट्स जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं उसका लाइसेंस मिल गया है और उम्मीद है कि इस हफ्ते तक हमें मॉर्फिन वगैरह हमारे पास आ जानी है। तो उसके बाद हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट जो इस तरह के पेशेंट हैं जो लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त हैं, जिनका कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट अब पॉसिबल नहीं है, जिनके लिए जो डॉक्टर्स ने उनके ट्रीटिंग डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं, उनके लिए हमारी ये मुहिम है कि हमें हम उन्हें कुछ तरह से राहत देना है।